पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने करवट लिया है और यह तब हुआ है जब 23 तारीख की मीटिंग का अनाउंसमेंट हो गया। 23 तारीख की मीटिंग अनाउंस होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एग्रेसिव हो गई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि नीतीश कुमार ऐसा टायर लेकर के चल रहे हैं जो ब्रास्ट हो गया है, उस पर चिप्पी लगा करके वो कोशिश कर रहे हैं कुछ दूर चलने का, लेकिन गंतव्य तक कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता है। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के इन 17 साल के शासन को लेकर के और उनके क्रियाशैली को लेकर के बहुत सारी बातें कही। हम पहले आपको सम्राट चौधरी की बात सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। यशस्वी लोग मोदी जी को उसको फंसने का काम भाजपा नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति ने बिहार की जनता को धोखा दिया हो, जब भी उन्होंने घात लीजिए, जिस तरह कार का टायर जब पंचर होता है तो चिट्ठी लगा के नहीं कुछ दूर चल लिया जाता है, वही है महागठबंधन। ये टायर 2024 में भाजपा के लोग सुन के 2024 में नीतीश कुमार का टायर पूरी तरह खराब कर जाएगा और स्वयं टायर किया। अब नीतीश कुमार क्या करेगा? अब नीतीश कुमार जी का कैरेक्टर समझिए, जब वो फिल्म देखे होंगे खजनी का, और खजनी फिल्म में वो हीरो है अमीर का, तो फिर उसमें मतलब हो जाए बहुत निरोगी है, बहुत पगड़ है, वही आदत हो गया है नीतीश का। ये आजकल कह रहे हैं कि दरभंगा में उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री है बताइए, रात में सपना देते होंगे, सपने में वक्त ले लिए होंगे, सीधे तो बंगा और कहे कि मैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, बताइए ये मानसिक स्थिति उनकी खराब है कि मेरी खराब। बिहार विधानसभा के तीन तीन चार चार सदस्य हैं आप, उनसे पूछिए विधानसभा में कहा कि हम गृह मंत्री गृहमंत्री का बोले रेल मंत्री के देखिए नीतीश बाबू मेरे हिसाब से बीमार है, भूले हैं। और पिछले चुनाव में एक हम कहा गए क्या कानूनों में, ये मेरी अंतिम चुनाव की लड़ाई, अब पता है फिर पड़ने पर फिर कहते प्रधानमंत्री बनना है। भैया नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको मुख्यमंत्री बनाई, प्रधानमंत्री कौन बनाएगा ये तो बताइए। एक तरफ राहुल गांधी है, राहुल गांधी आजकल ओसामा बिन लादेन के तरह दाढ़ी वाले बढ़ाकर खुद वही दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे कि नरेंद्र मोदी जी के तरह प्रधानमंत्री हो जाए। आपने सम्राट चौधरी की पूरी बात सुन ली। अब इसके बाद जब सम्राट चौधरी के इन बयानों को और इस तरह से घेरने को लेकर के नीतीश कुमार पर सीधा हमला को लेकर के कुशवाहा समाज जो कि जदयू का है वो काफ़ी कहा जा रहा है कि इससे चिंतित हुआ, और इस चिंता में सबसे बड़ी चिंता ललन सिंह और नीतीश कुमार को ही। ललन सिंह और नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज के सभी नेताओं का जो जदयू में है उनकी गुप्त बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद तो और भी मामला बिगड़ गया। पहले इस बैठक को लेकर के चर्चाएँ बाहर आई, जो मीटिंग में हुआ वो बातें लीक हो गई, और एजेंडा लीक होते ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई। और जैसे ही ये जानकारी मिली कि सारा बैठक जो है वो केंद्रित था सम्राट चौधरी पर, तो और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया नीतीश कुमार पर हमला करने का। अरविंद सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने तो हद ही कर दी। क्या कहा अरविंद? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप इतने भयभीत क्यों हो गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी से कि आपको कुशवाहा समाज की पहली बार याद आई और मुख्यमंत्री आवास में आपको बैठक करना पड़ गया? ये होता है डर। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी ने आप में डर पैदा कर दिया। आप डर करके पहली बार मुख्यमंत्री आवास में कुशवाहा समाज का बैठक कराना पड़ गया। आपको पता होना चाहिए कि कुशवाहा समाज बिहार के नीति रीति तय करने में सक्षम है, और भगवान राम और सम्राट अशोक का वंशज है, वो सारे रंग बदलू दल बदलू और गिरगिटिया रंग के हेडमास्टर को पहचानता है। और आप
जो सोच रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से फंसा लेंगे, लोभ से फंसने वाला नहीं है लोग। सम्राट अशोक के वंशज, भगवान राम के वंशज, भगवान कुश के वंशज जागरूक है, सबका पेट भरने वाला वो समाज है, वो आपके जाल में फंसने वाला नहीं है। उस समाज का नेता सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बना करके कमान सौंप दिया है, इसलिए आप भयभीत हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।